ये मेरठ की वही मार्केट है जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर 10 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी के आपके वाहन के पुर्जे खोल दिए जाएंगे और आपको इस बात की भनक भी नहीं लगेगी। ये मेरठ की वही मार्केट है जिसके बारे में अब से कुछ साल पहले शाहजहांपुर में अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र करते हुए यहाँ की कहानी बताई थी। मेरठ में एक मोहल्ला हुआ करता है, एक बाजार है सोतीगंज। देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। अब मेरठ की ये मार्केट बंद हो चुकी है। इस मार्केट को लेकर लगातार खबरें आती रहती हैं। लेकिन इस मार्केट के बंद होने से आखिर यहाँ की जनता पर क्या असर पड़ा है? यहाँ के लोग आने वाले चुनाव में क्या एक बार फिर से भाजपा को वोट देंगे? राजेंद्र अग्रवाल जो कि यहाँ से वर्तमान सांसद हैं, उनका टिकट काटकर भाजपा ने इस बार अरुण गोविल को टिकट दिया है, जो आपको अक्सर राम के किरदार में दिखाई दिए हैं। यहाँ से सपा ने अपने दो बार प्रत्याशी बदले हैं। सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। बीएसपी भी इस बार मैदान में है। अब देखते हैं कि यहाँ की जनता आखिर किसको वोट देना चाहती है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ की जनता इस बार मतदान करने के लिए पहुंचेगी। तो चलिए आइए मेरे साथ सोतीगंज की मार्केट में जाकर जनता से करते हैं सवाल। इस बार वोट किसको देंगे? वोट मोदी जी को। ये तो कह नहीं सकते, बाकी यहाँ पे काम खत्म हो गया तब से। हमने तो देखा ही नहीं, सांसद यहाँ पे कब आए थे 15 साल में। तो लग रहा है राम विकास करेंगे? नो मैम, करेंगे नहीं मैम। ये तो मैम जीतने के बाद मुंबई वापस चले जाएंगे मैम। ये तो मोदी जी मालिक है, मोदी जो मर्जी का जिसे चाहे पूरे दिल्ली में सबको बंद करा दिया, आपको पूरी सरकार को बंद कर दिया दिल्ली में। 90% आदमी सही था, 10% आदमी गलत था, उस पर कार्रवाई कर दे। या सब पे तुमने कार्रवाई करी? ये कैसी सरकार है? बेरोजगारी है और बुद्धा है क्या? अब तक कहाँ पेट्रोल है नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं है, अभी पेट्रोल का खर्चा पड़ गया। इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। राम मंदिर का ही मुद्दा है इनके पास तो मैम, और कोई मुद्दा ही नहीं है। रोजगार का मुद्दा नहीं है, गरीबी का कोई मुद्दा नहीं है। बस 5 किलो अनाज और गेहूं बांट के मैम ये मुद्दा ही मुद्दा बना रहे हैं मैम, और कुछ काम ही नहीं है मैम इनके पास। कस्टमर दूर के थे ना, वो तो पुराने सामान की वजह से आते थे। अब तो दूर का नया लेना तो अपने वहीं से ले लेंगे, यहाँ आ गए थे दूर 200-300 पेट्रोल खर्च करके। अब जो आएगा जो बेरोजगारी पे बात करेगा या महंगाई को दूर करने की बात करेगा, हम उस पर वो किसी भी पार्टी से हो हमें कोई मतलब नहीं, मगर विकास करने वाला इंसान आ जाए तो हमारा तो यही कि हम सुनीता वर्मा को वोट देंगे। मंडी वालों को, हम मजदूर आदमी बेच गए, घर बखाने को नहीं है हमारे, भूखे मर रहे हैं। और क्या करें? भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद सबूर। ये सोतीगंज की वही मार्केट है जिसमें कई दुकानें कुछ साल पहले बंद करा दी गई थी। चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कि इस मुद्दे का असर पड़ेगा चुनावों पर? अच्छा, अभी ये जो आपकी दुकान है कब से है यहाँ पर? 50-60 साल। तो आपकी दुकान उसमें नहीं आई जो दुकानें बंद हुई थी? नहीं। तो अभी आने वाले चुनावों में क्या लगता है कौन से मुद्दे जिनको लेकर आप वोट करने के लिए जाएंगे? बेरोजगारी है और मुद्दा है क्या? यहाँ पर जो वर्तमान सांसद थे उनसे खुश है ना खुश है? हमने तो देखा ही नहीं सांसद यहाँ पे कब आए थे 15 साल में। एक बार भी आए नहीं? एक भी बार नहीं आए सांसद तो। अच्छा, किसी और जनप्रतिनिधि आपके बातें सुनी हो, आपके मुद्दे जानने की कोशिश की हो? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जो विकास करे, काम करे, बस वो ही आ जाए। तो कौन विकास करेगा? वो किसी भी पार्टी से हो हमें कोई मतलब नहीं, मगर विकास करने वाला इंसान आ जाए, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन नाराजगी है अभी? नाराजगी तो हमारी कोई नहीं है किसी से भी। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? नितेश रस्तोगी। क्या कहेंगे रितेश जी, अभी चुनाव आने वाले हैं और जमकर प्रचार हो रहा है, भाजपा के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, बीएसपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, समाजवादी पार्टी की तरफ सुनीता वर्मा है। प्रत्याशियों को छोड़ दीजिए, मुद्दों पर आइए, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? व्यापार हर आदमी समस्या यही है, इस समय व्यापार बहुत डाउन पड़ा है हर क्षेत्र का, यानी कि खाली इसी क्षेत्र का हो, सभी क्षेत्रों का, चाहे कपड़े का हो, चाहे गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, सारे जो है व्यापार बहुत डाउन पड़े हैं। पर ये है कि व्यापार अच्छे होने चाहिए, ऐसी नीति लाए गवर्नमेंट हमारी। ये सोतीगंज की वही मार्केट है जिसे बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर अखबारों में हमेशा छपता है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, मार्केट को लेकर कुछ कहेंगे? मैं तो इस मार्केट का नहीं हूँ खैर, मैं तो यहाँ बाइक ठीक कराने आया हूँ, मगर हाँ मार्केट काफ़ी चेंज हो गया पहले से, जो काफ़ी पहले बहुत ज़्यादा भरा रहता था, वो काफ़ी मतलब लोगों ने अपने व्यापार चेंज कर लिए हैं। तो ये एक अच्छा सकारात्मक चेंज है या नेगेटिव है? अब वो यहाँ के दुकानदार बताएंगे, उन्हें अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है अपना व्यापार चेंज करने में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। इलियास जी, ये जो आपकी दुकान है कब से है यहाँ पे? बहुत टाइम से, आपको याद होगा कि यहाँ पर कुछ वक्त पहले सारी दुकानों को बंद कर दिया गया था, तो वो माहौल कैसा था, क्या कुछ हुआ था?
पुराना मार्केट था वो तो पहले से ही बंद हो चुका है, 2 साल हो गया, बाकी नए पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारी दुकानें अब बंद नजर आ रही हैं, ऐसा क्यों? मार्केट छुट्टी होती है, आज के दिन तो सैटरडे ऑफ होता है, अक्सर भी बंद ही नजर आती है। वो तो मार्केट पुराना था इसलिए बंद ही है, पुराना काम अब चल नहीं रहा, वो पहले से ही बंद हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या रोजगार के नए अवसर आए हैं? देखो रोजगार का तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आएगा टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी अभी जो चुनाव आने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? क्या मेरठ में किस चीज को लेकर ज्यादा बेहतरी? सबसे मेन चीज है बेरोजगारी और महंगाई, मेन मुद्दा ही है, और कोई मुद्दा नहीं। तो अभी वर्तमान जो सांसद हैं बेरोजगारी महंगाई को लेकर उनसे नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं है, बस ये है कि अब जो आएगा जो बेरोजगारी पे बात करेगा या महंगाई को दूर करने की बात करेगा, हम उस पर। सर आपका नाम क्या है? करणदीप। आपकी शॉप कब से है यहाँ पे? मैम 3 साल से। 3 साल से। और आपको वो वक्त याद है जब यहाँ पर सोतीगंज की मार्केट बंद कराई गई थी? यस मैम याद है। क्या कारण था? मैम यहाँ पे हम बाहर काम, कटाई का काम होता था, हम इसलिए बंद कराई थी मैम। तो उसके बाद क्या कोई असर पड़ा है यहाँ पे? असर पड़ा है मैम। क्या असर पड़ा है? मैम अब चोरियों की बाइक है मैम, चोरी नहीं होती यहाँ पे मैम, न कार होती ना मैम बाइक होती है। आने वाले चुनाव में, क्योंकि 26 तारीख को वोटिंग होनी है, लगता है कि ये सोतीगंज की मार्केट का जो मुद्दा है ये बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा? यस मैम उभरेगा। कैसे, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैम नेगेटिव। अच्छा, आप भी इसी मार्केट में काम कर रहे हैं और कुछ वक्त पहले ही आपने दुकान खोली है, लेकिन बहुत सारी दुकानें यहाँ बंद हो गई है, तो क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों बंद है दुकानें? बाहर वाली बहुत सारी दुकानें। मैम आज तो सैटरडे है, वैसे भी मैं यहाँ से अगर आती हूँ तो दुकानें बंद रहती है। लोगों का कहना है कि रोजगार बदल दिए हैं, लेकिन बदल दिए हैं तो इतनी दुकानें बंद क्यों हैं? मैम बाहर जो हम गलत काम होता था, कटाई का काम होता था मैम, वो बंद करा दिया है सरकार ने, और हम कहा है कि रोजगार अपना नया बदले और नई दुकानें खोले मैम। तो अभी आने वाले चुनावों को लेकर और कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करने के लिए जाएंगे? मैम इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, राम मंदिर का ही मुद्दा है इनके पास तो मैम, और कोई मुद्दा ही नहीं है, रोजगार का मुद्दा नहीं है, गरीबी का कोई मुद्दा नहीं है, बस 5 किलो अनाज और गेहूं बांट के मैम ये मुद्दा ही मुद्दा बना रहे हैं मैम, और कुछ काम ही नहीं है मैम इनके पास। अच्छा, आपको पता है कि इस बार कौन उतरा है भाजपा की तरफ से? मैम अरुण गोविल जी। अच्छा, कौन है अरुण गोविल? मैम जो रामायण में राम बन के आए थे। अच्छा, तो लग रहा है राम विकास करेंगे? नो मैम करेंगे नहीं मैम, ये तो मैम जीतने के बाद मुंबई वापसी चले जाएंगे मैम, पूरा यकीन है? यकीन है मैम बिल्कुल। आपका नाम क्या है? आदिल। आपने वोट दिया है इससे पहले? हां जी दिया। अच्छा, अब कौन से मुद्दों पर वोट देंगे? रोजगार पर। रोजगार पे। रोजगार है या नहीं है? नहीं है। और कौन से मुद्दे हैं जिनको लगता है कि जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने पूरा किया हो? कुछ भी नहीं किया हो तो आते भी नहीं, आते भी नहीं, कभी दिखाई भी नहीं दिए, मुस्लिम मामले में तो बिल्कुल भी नहीं आते। कौन है वर्तमान सांसद पता है? वो है जी राजेंद्र अग्रवाल। ठीक है, और जो अभी प्रत्याशी खड़े किए गए हैं उनके बारे में कुछ पता है? हाँ जी वही है, राम लाए थे, राम को लाएंगे वही वाला। अभी आपके मुँह से रावण निकलने वाला था? रावण ही है सब। कौन रावण है? सारे ही जितने भी हैं मुसलमानों से किल्स हैं टोटल। क्यों, क्या दिक्कत है? ये बस क्या बताऊं, बस किल्स हैं जी ये तो। क्यों, लेकिन क्या किल्सने का क्या कारण है? इनसे जाके पूछो, किल्स है तो वो हैं, हमें क्या पता। ऐसा आपके साथ क्या व्यवहार किया कि आपको लगा कि वो किल्स रहे हैं? किल्स ही रहे हैं जी, सारा व्यापार बंद कर दिया, जो 2 नंबरा काम कर रहे थे उनका तो चलो बंद कर दिया, सभी का तोड़ गया, जो मजदूर आदमी था उनका क्यों बंद करा? अच्छा, सबका बंद करवाया है? बंद कर रहा। लेकिन एक रैली में प्रधानमंत्री कहते थे कि सिर्फ जो कटाई का काम था 10 मिनट के अंदर पुर्जे यहाँ पर खुल जाते थे, सिर्फ उसको बंद कराया? कहाँ बंद कराया, तो सारी दुकानें बंद करा दी उन्होंने, तो सारी करा दी हैं। तो कभी आपने अपने सांसद से, जन प्रतिनिधि से बात करने की कोशिश नहीं की? करते हैं, मुसलमानों के नहीं सुनते। आपका नाम क्या है? सतेंद्र कुमार जी। सतेंद्र जी, अभी इस बार के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगार लोग काफी पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। और लेकिन सरकार तो दावा करती है कि बहुत सारे रोजगार दिए हैं। अब 100 में से 1% 2% को दे दिए। अभी जो प्रत्याशी उतारे गए हैं भाजपा की तरफ से, नाम पता है उनका? अरुण गोविल। और सपा की तरफ से? सुनीता वर्मा। क्या लग रहा है कौन आगे है? ये तो समय बताएगा। भारी प्रत्याशी है भाजपा का। भावी प्रत्याशी है? भारी है, लेकिन वो रहने वाले तो मेरठ के ही हैं। अब तो सांसद तो बनते ही वो बम्बई चले जाएंगे जी, यहाँ कौन रुकेगा? पक्का बिल्कुल यकीन है? पता नहीं हमें, ये तो समय बताएगा। क्या नाम है आपका? श्रीकांत। श्रीकांत जी, कब से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं? 20 साल हो गए।
कौन सी दुकान है आपकी? आनंद ऑटो सेंटर। अच्छा, सोतीगंज की इस मार्केट में बहुत कुछ कहा जाता है कि कटाई होती थी इसीलिए बंद कर दिया गया, अभी क्या ये मुद्दा इस बार के चुनाव में हावी रहने वाला है? ये तो कह नहीं सकते, बाकी यहाँ पे काम खत्म हो गया तब से। दुकानें इतनी बंद क्यों नजर आती है? शनिवार है और वैसे भी यहाँ पे काम खत्म हो गया, कुछ लोगों ने काम ही बंद कर दिया अपना। लेकिन मोदी सरकार तो कहती है कि जो यहाँ पर पुर्जे खुल जाते थे उस काम को बंद कराया, तो काम क्यों खत्म हो गया? ऐसा है, जो कस्टमर दूर के थे ना वो तो पुराने सामान की वजह से आते थे, अब जो दूर का जो नया लेना तो अपने वहीं से ले लेगा, यहाँ भी आ गए थे दूर 200-300 रुपए पेट्रोल खर्च करके, तो वहीं से ले लेगा वो। और कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर आपको लगते हैं जो जिसके आधार पर आप वोट करने के लिए जाएंगे? हम तो वोट देने, हम तो मायावती वोट देंगे। आपका नाम क्या है सर? साइड में। मेरा नाम है जी महेश कुमार। महेश कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? इधर में से मेरठ के ही हूँ जी, सदर के ही हूँ। अच्छा, और अभी यहाँ पर किसी काम के लिए आए थे? हाँ हाँ, काम के लिए आया था मैं। ये रोड बंद कर दिया मेन मार, ये जिससे हमारे बहुत दिक्कत हो गई, हमें आने जाने की बहुत दिक्कत हो गई, ये मेन टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारे से थोड़ी। अच्छा, इस दिक्कत के अलावा भी मतलब पहले भी आप इस मार्केट में आते होंगे? हाँ, जब सोतीगंज की ये मार्केट जहाँ पे पुर्जे कहते थे कि 10 मिनट के अंदर ही खुल जाते हैं, गाड़ी कहाँ चली जाएगी पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। सब ये तो बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, सब काम ठीक चलता है, कोई ऐसा कोई काम चलता। लेकिन दो साल पहले तो फिर मोदी जी ने मार्केट बंद करा। मोदी जी तो मोदी जी मालिक है, मोदी जो मर्जी कहा जिसे चाहे, पूरे दिल्ली में सबको बंद करा दिया, आपको बंद, पूरी सरकार को बंद कर दिया दिल्ली में। अच्छा, इस बार जो प्रत्याशी उतारे गए हैं भाजपा के, यहाँ से नाम पता है उनका? आज पता है। कौन है? सुनीता वर्मा। सुनीता वर्मा तो सपा की है। अब सपा को वोट देनी है मतलब? अच्छा, आपको भाजपा का प्रत्याशी पता नहीं है? लेकिन नहीं वो पता है, अरुण गोविल, गोविल गोविल है। तो क्या उनका क्या लग रहा है अभी? उनका तो वो रहने वाले बम्बे रहते हैं, फिल्म स्टार हीरो है, हमें तो यही देखना, जो हमारा प्रत्याशी का वो सुनीता वर्मा, पहले मेयर भी रही है, नगर निगम की मेयर भी रही है, तो हमारा तो यही कि हम सुनीता वर्मा को वोट देंगे। उन्होंने काम किया था? हाँ, काम करा मेयर के लिए, बहुत काम करा रहा हूँ। अच्छा, और कौन से मुद्दे जिसको लेकर लग रहा है इस बार आप वोट करने के लिए जाएंगे? आप तो एक आपका जिंदगी भी है। रोजगार कुछ नहीं है, जो आदमी रिटायरमेंट हो गया उनको नौकरी नहीं दे रहे, सारी सीटें खाली पड़ी रख रहे हैं, संविदा में ठेकेदारी भी कर रहे हैं और सब कहीं नौकरी नहीं, रोजगार नहीं है। मंदिर मुद्दे की बात करते हैं, खाने को हम पर रोटी नहीं, रोजगार नहीं होगा तो मंदिर में कहाँ से जाएंगे? मंदिर में जाने के लिए कवाली का प्रसाद चेंज ही है, मंदिर में जाने के लिए कोई होगा तो मुसलमान मस्जिद में जाएगा, सजा रहा गुरुद्वारा में जाएगा, हम तक रोजगार नहीं, रोटी नहीं, खाने को कुछ नहीं है, तो हम कहाँ से मंदिर मस्जिद गुरुद्वार में जाएंगे? नरेंद्र मोदी तो कहते हैं मैंने गारंटी दे दी, कोई नहीं उसकी, अब कुछ नहीं, कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं, सब वाली बातें हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल बातें हैं, गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। गारंटी होती तो आज ये इतना आदमी रिटायरमेंट हो गया, कहीं नौकरी बंद कर दी, ठेकेदारी में डर रहे हैं, संविदा में डर रहे हैं, और ठेकेदारी में डर रहे हैं, वो तीन तीन महीने तनख्वाह नहीं मिलती, ठेकेदारी में 4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। मंदिर मुद्दे की बात करते हैं, खाने को हम पर रोटी नहीं, रोजगार नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, कहाँ से मंदिर में जाएंगे? जब तक काम नहीं होगा, धंधा नहीं होगा, रोजगार कहाँ से मंदिर में जाएंगे? अब ये इन्होंने ये बंद कर दिया रोड, अब 10 बार पैर वहाँ से बेगमपुर से घूम के आओ या उधर से घूम के आओ, रोड वे से घूम के आओ, अब तक कहाँ पेट्रोल है नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं है, अभी पेट्रोल खर्चा पड़ गया। अभी मेट्रो बन रही है, लेकिन वो मेट्रो बनेगी जब बनेगी, फिलहाल वो तो जबकि बात है, मेट्रो अभी तो कुछ भी नहीं है, मेट्रो वेट्रो कुछ भी नहीं है। तो लग रहा है इससे कुछ विकास होगा? कुछ नहीं होना विकास, हमारा मकान भी कुछ ध्वस्त कर दिया मेट्रो वालों ने, ध्वस्त कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, जब ये मेट्रो के चक्कर में वो सारा जब चली तो सारा मकान ध्वस्त हो गया, सब में वो पड़ गई, दरारें आ गई, वो गए आके देखा भी नहीं, झाका भी मेट्रो वालों ने। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? अजय कुमार। अजय कुमार जी, यहाँ दुकान है आपकी? मेरी दुकान है जी। अच्छा, सोतीगंज की ये मार्केट है? हाँ जी। कहते थे कि 10 मिनट के अंदर वाहन उठ जाएगा, अभी सारी दुकानें ही बंद हैं, ये इतना बदलाव क्यों आया है? पता नहीं जी, अब तो कोई ठीक है, यहाँ पे अब तो कोई बदलाव वाली बात ही नहीं है। नहीं, पहले अभी इतने सालों में जब मार्केट बंद हुई तब से लेके अब तक क्या चीजें आपने देखी? हाँ, यही देखा था, पहले यही उड़ा रखा था कि ये 10 मिनट गायब हो जाती थी, लेकिन होती नहीं थी यहाँ के, यहाँ नहीं होती, बाहर से आती होंगी गाड़ी। अच्छा, तो फिर सबका रोजगार बंद कराया फिर? हमारे इस पे बैठ के हमारे इन पुरानी गाड़ी से कोई मतलब नहीं। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर सर इस बार वोट करने जाएंगे? हम तो बीजेपी को देंगे जी वोट। अच्छा, क्या लगता है कि क्या अच्छा काम किया है? जी जिताई है जी, क्या काम अच्छा किया है? सारे काम बढ़िया कर रहे हैं, बताओ क्या नहीं करा इन्होंने? क्या करा बताओ, मोदी जी ने क्या नहीं करा? हर आदमी को पैसे मिल रहे हैं, हर आदमी को अनाज मिल रहा है। और किसको पैसा मिल रहा है? आपको पैसा मिल रहा है? नहीं, हमें नहीं मिल रहा पैसा। वो तो कह रहे हैं पैसे मिल रहे हैं, अनाज नहीं मिल रहा हमें, क्यों मिलता? हम अनाज अपने पैसों का काम है, हम क्यों खाएंगे?
कह रहे हैं कि मोदी जी सबको पैसे दे रहे हैं, आपको दिए हैं? हमें दिए, अनाज दिया है। तो और कारोबार बंद करा दिया। किस चीज का कारोबार था आपका? हमारा पुराना स्क्रेप का काम था हमारा। लेकिन वो तो कह रहे थे कि ये तो कटाई का काम करते हैं और गलत काम करते हैं दोनों। यहाँ पे सारे गलत काम नहीं करते थे, 90% आदमी सही था, 10% आदमी गलत था, उस पर कार्रवाई करते। या सब पे तुमने कार्रवाई करी? ये केसी सरकार है। तो आपने उस बारे में आवाज उठाई थी? आवाज उठाई थी। कुछ उसके विकल्प मिले? कोई और रोजगार मिला? कोई और रोजगार नहीं मिला हमें, हम खाली खाली फिर रहे, भूखे मर रहे हैं। तो दो साल से आप ऐसी हैं? ऐसी हैं, ये दुकानें बंद पड़ी हैं। आपको मिल रहे हैं पैसे? किस चीज के पैसे? सर कह रहे हैं कि मोदी सबको पैसे दे रहे हैं। कोई पैसे नहीं है हमारे पास तो कोई पैसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुएब। शुएब, यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पर 95 से आया हूँ, 95-96 मार्केट। तो आपने तो बहुत कुछ देखा होगा इस मार्केट में। बहुत कुछ देखा। जब ये मार्केट बंद हुई थी, जब पुलिस आई थी और यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था, अखबारों में छपा था, फिर नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में बोला, जितनी बातें बोली जाती हैं सोतीगंज की इस मार्केट के बारे में कि 10 मिनट में पुर्जे खुल जाते हैं, गाड़ी चली जाती थी और अब दुकानें बंद नजर आ रही हैं और दावे किए जाते हैं कि हालात बहुत सुधर गए हैं, आपने सब कुछ देखा है, क्या हकीकत है बयां कीजिए। इसमें हकीकत और झूठ मिला के देखो कहानी तभी बनती है। जैसे कि अभी बताया कि सारे लोग गलत नहीं थे, कुछ लोग यहाँ पर सारे ईमानदारी से भी काम करते थे, और जो कि इस मार्केट के अंदर ये पुराना इतिहास रहा है, बड़े दुकानदार रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर जो है ना, अगर मैं आपको कहूँ तो ये यहाँ के लिए लोगों के लिए ना थोड़ा सा सऊदी और दुबई से बड़े लोग आते थे यहाँ पर। यहाँ पर इस मार्केट के अंदर आप ये मान लो इचोली, मवाना, बहुत से मतलब अलग अलग शहरों से काफी लोग आते थे, लोग यहाँ पर खाने कमाने, ठीक है ना। सब को यहीं से रोजी रोजगार चल रहा था और वो लोग आज भी चला रहे हैं, ठीक है नहीं, और कुछ ही नहीं है। अब आ जाते इधर मार्केट, जैसा आप बता रहे हैं कटाई की वटाई की, ऐसा वही फिर वाली बात है, झूठ और सच बन के तो बात बनती है। सारे लोग गलत नहीं थे, कुछ था तो कुछ नहीं था। तो जब ये मार्केट बंद हो गई उसके बाद अभी हर बार हर चुनावी रैली में इसका जो है जिक्र होता है, क्या कोई नेता यहाँ आया, लोगों से बात की, उनको सुनने की कोशिश की कि क्या वो दोबारा रोजगार कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कतें आ रही हैं, चुनौतियाँ क्या हैं? देखिए मैं हर वक्त तो यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन आप जैसे रिपोर्टर बहुत आते हैं, आप सबका इंटरव्यू लेके जाते हैं और हमें देखने को भी नहीं मिलता। खैर वो तो किसी का एकाध जो मिल जाती होगी मिल जाती होगी, बाकी तो कोई नेता वेता मेरी नॉलेज में तो है नहीं। कोई नेता यहाँ कोई नजर नहीं आया है ना, या तो किसी ने की कोई सुनने भी नहीं आया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सईद है। आपको याद है जब सोतीगंज की ये मार्केट बंद हुई थी, जब रोजगार यहाँ से लोगों का जैसा दावा है कि रोजगार छीन लिया गया, दुकानें बंद कर दी गई और बहुत सारे लोग उसमें सही भी थे, कितना सही आप इनका कहना मानते हैं? उस वक्त से लेकर अब तक क्या बदलाव आपको लग रहा है? बिल्कुल सही कर रहा मोदी साहब। अच्छा, मोदी सही कह रहे हैं? सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या सही कर रहे हैं? ये पक्के डकैत थे। क्या काम करते थे यहाँ पे? चोरी की गाड़ी थोड़े से। कौन कौन करता था? समझे नहीं, ये पूरी मार्केट है। तो लग रहा है उसके बाद बदलाव आ गया? अब कुछ बदलाव आ रहा है। तो इस बार वोट किसको देंगे? वोट मोदी जी को। ठीक है, लेकिन मोदी जी चुनाव में थोड़ी हैं। है जी, ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में नहीं आने का जैसा मोदी प्रधानमंत्री। क्यों? सबके लिए, सबको देख रहा है एक साथ को। है जी, गरीब को भी, ईमानदार को भी, सबको सबको ही पकड़ के खींच रहा है। क्या आपका नाम? मेरा नाम जी धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हमारा 10-12 साल हो गई। 10-12 साल से क्या काम कर रहे थे? जी टायर पंचर का काम कर रहे थे। तो अभी वही दुकान है या नई दुकान है? जी अब तो अभी तो पंचर ही लगा रहे, टायर का तो खत्म हो गया हमारा काम। क्या काम मतलब? वो तो सिर्फ वही वाला काम खत्म कराया था, कटाई का कह रहे हैं? कटाई के चक्कर में हमारा मजदूर आदमी को मरवा दिया, टायरों का खत्म हो गया हमारा एक नंबर का। अच्छा, तो उसके बाद से कोई आया नहीं बात करने के लिए? भी नहीं आया उसके बाद। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि यहाँ पर जो जितनी दुकानें थी वो गलत काम कर रही थी। जो गलत काम तो वो तो कर रहे थे, हम तो एक नंबर का काम कर रहे थे अपना, टायरों का। तो ये कैसे पहचाना उन लोगों ने कि कौन कौन सी दुकानें जो हैं वो गलत काम कर रही हैं और कौन कौन सी दुकानें जो सही काम है? पूरी मंडी बंद करा हमें, एक तरह से मंडी बंद हो गई, हम मजदूर आदमी बेच गए, घर बगाने को नहीं, हमारे भूखे मर रहे हैं, और क्या करें। तो अभी जो आने वाले चुनाव हैं, कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप वोट करने के लिए जाएंगे? वोट का हम तो ये सोचेंगे ये सरकार आनी नहीं चाहिए, अब ये मजदूर आदमी का कारोबार खत्म कर दिया। सर क्या नाम है आपका? इकरामुद्दीन। इकरामुद्दीन जी, ये जो दुकान अभी आपने खोली हुई किस चीज की है? ये तारकुल की है। और ये अभी खोली है या इससे पहले कोई और दुकान? बहुत 50 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, तो आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं?
50 साल हो गए बैठे। सोतीगंज की मार्केट जिस टाइम बंद हुई थी उस टाइम का याद है मंजर क्या हुआ था? वो बंद हो गई जी, पुलिस वालों ने बंद करा दिया था। क्यों बंद कराई थी? कोई माल जो है जैसा आता था उसको गलत माल आता है। तो आपकी दुकान उसमें नहीं आई? नहीं, हमारा तो अलग काम है ना, हमारा तो काम है। ठीक है, इस बार चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारे लोग पीछे कहते हुए नजर आए कि ये वाला मुद्दा बहुत हावी रहेगा, क्या कहते हैं? मुद्दा कौन था? यही सोतीगंज की मार्केट वाला मुद्दा, लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी तो है देखो, लेकिन अभी काम तब्दील होता जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद रईस। रईस जी, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ तो तीसरी पीढ़ी हो गई। अब से 2 साल पहले सोतीगंज की ये मार्केट बंद की गई थी, उस वक्त बहुत सारी बातें कही गई, अब भी लगभग अखबारों में रैलियों में हमेशा इसका जिक्र होता है। देखो चलते ही क्या हुआ था उस वक्त? देखो बात यह है कि जो आदमी थे वो तो थे ही, क्या बात करें इस बारे में। मार्केट बंद होने के बाद कुछ बदलाव, कुछ तब्दीली देखी है? कुछ बदली नहीं, मतलब सब ऐसे ही हो रहा मामला यहाँ पे। आने वाले परेशानी बहुत है आज के टाइम, बहुत इस तरह की परेशानियाँ हो रही, कारोबार सब बंद है, सब बंद है कारोबार बिल्कुल। बहुत सारी दुकानें यहाँ बंद नजर आती हैं, उसका क्या कारण है? सब बंद है। अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सोतीगंज की मार्केट का ये मुद्दा बहुत हावी रहने वाला है, तो क्या लग रहा है कि इस मुद्दे को लेकर वोट करने जाएंगे? नहीं जाएंगे, वोट तो जाएंगे, सब वोट तो जाएंगे, वोट करने के लिए। और कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव में इस बार वोट करने के लिए जाएंगे? हमें क्या बताया, एक बात तो बताओ। वोट सबके लिए होता है, जिम्मेदारियां सबके लिए होती हैं। ऐसा ना, अब तो मजदूर है, बच्चे हैं, टम्पू चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रोटी तो खानी है, वही सब हमारा